So this is the all of Vivo V27. So अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो, मैं इसी फोन के फ्रंट कैमरे शूट कर रहा हूँ एट 4K 30 FPS. So Vivo V27 में अभी भी 4K फ्रंट कैमरा है, जो कि इस बजट के फोन्स अभी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हो 4K में, वो भी हाई रिजोल्यूशन में, तो आप इजिली इसे शूट कर सकते हो। तो इसमें एक स्टैटिक फेस करके फीचर आता है, अगर इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये फुल HD एट 30 FPS पे रिकॉर्ड करता है। जैसे मैं चलते हुए रिकॉर्ड करता हूँ, वो भी ऐसे ग्राउंड पे, तो आपको हार्डली कोई शेक नोटिस होगा। एज यू कैन सी, ऐसे ग्राउंड पे चलते हुए जनरली वीडियो काफी ज्यादा शेक होती है, बट विद द Vivo V27 आपकी वीडियो बहुत ज्यादा स्टेबल बनेगी। एंड गाइस, मुझे Vivo V27 में एक बहुत ही अमेजिंग फीचर देखने को मिला, विच इज टेलीप्रॉम्प्टर, जिसमें आप अपने पूरी वीडियो की स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। एंड जब आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो आपकी पूरी स्क्रिप्ट स्क्रोल होती रहेगी, एंड आप स्क्रोलिंग स्पीड को भी कम ज्यादा कर सकते हो। एंड मैं पर्सनली चाहता हूँ कि ये फीचर हर फोन में आए। एंड अगर गाइज यहाँ पे रिजोल्यूशन की बात करें, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 4K या 30 FPS पे शूट कर पाओगे, जहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन का यूज होता है। मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी वीडियो काफी ज्यादा स्टेबल बनी है। जो वीडियो में जर्किनेस है एट 4K 30 FPS, वो आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जो वीडियो में जर्किनेस आ जाती है, वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे आप अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन को ऑन करते हो, तो हमारी वीडियो शिफ्ट हो जाती है 1080p एट 60 FPS पे। और आप यहाँ पे सैंपल देख सकते हो, जैसे कि इसके नाम में है अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन, ये वीडियो को काफी ज्यादा स्टेबल देता है, जस्ट लाइक जैसे आप गिम्बल का यूज करते हो। एंड या OIS इज ऑल्सो देयर, सो वीडियो आपकी काफी ज्यादा स्टेबल बनेगी। अब यहाँ पे एक मोड देखने को मिलता है माइक्रो मूवी करके, ये वाला फीचर भी मैंने पहली बार इसी फोन में देखा है। जैसे यहाँ पे आपको काफी सारे फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं, सो आप एक वीडियो 2-3 सेकंड की शूट करने के बाद दूसरा फिल्टर चेंज करके, देन ये सभी वीडियो कंबाइन करके आपको एक नया वीडियो दे देगा, जिसको आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यूज कर सकते हो। तो जब शाम हो तो हमने इससे काफी सारे सैंपल्स लिए। और अगर आप नाइट मोड में जाते हो, तो वहां पे आपको स्टाइल्स में काफी सारे फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं। ब्लैक एंड गोल्ड है, साइबर पंक, ड्रीमी स्पॉटलाइट, टेक्सचर्ड ब्लैक। तो अब इसका एडवांटेज क्या है? सो जैसे आप ये फोटो देख रहे हो, सिनेमैटिक इफेक्ट्स हैं। सो अगेन विद द Vivo V27 मैं यहाँ पे सिनेमैटिक इफेक्ट्स अप्लाई कर सकता हूँ, मुझे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके ये सब करने की नीड नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट मुझे ऑप्शन मिलता है फोटो मोड में नेचुरल कलर्स ऑन या ऑफ करने का। तो नेचुरल कलर्स ऑन करने के बाद मुझे यहाँ पे क्लोज टू नेचुरल फोटोज मिल रही है, जो मैं खुद से एडिट कर सकता हूँ। और अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा ब्राइट एंड सैचुरेटेड कलर्स देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट मैं यहाँ कह सकता हूँ कि आपको सोशल मीडिया रेडी इमेजेस देखने को मिलेगी। एंड ये बहुत ज्यादा सैचुरेटेड नहीं है, एक्चुअली सही में काफी बढ़िया आउटपुट लग रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे सुपर मैक्रो मोड आता है, जिसमें 2 MP का सेंसर यूज किया गया है। एंड यहाँ पे आपको डिसेंट क्वालिटी एंड शार्पनेस भी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। 2 MP सेंसर से आप क्या ही उम्मीद करोगे। सो अब मैं यहाँ पे आपको कुछ कैमरा सैंपल्स दिखाता हूँ। तो Vivo V27 में आपको बहुत ही बेटर इमेज प्रोसेसिंग करके दी गई है। Vivo की V सीरीज में पर्सनली जो मुझे अच्छा लगता है कि जो कलर टोन्स आ रही हैं एंड जो सैचुरेशन है, वो एकदम नेचुरल साइड में होता है, जिस वजह से मैं उन फोटोज को अपने हिसाब से एडिट कर सकता हूँ। एंड आप इन फोटोज में भी देखोगे तो स्काई को काफी ज्यादा बेटर तरीके से कंट्रोल कर रहा है। एंड गाइस, डिटेलिंग एंड शार्पनेस में भी इमेजेस का आउटपुट काफी ज्यादा बेटर निकल के आता है।
बाकी इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया है जिसके सैंपल्स आप देख सकते हो। कलर शिफ्टिंग बहुत ज्यादा नहीं है, क्वालिटी अच्छी आती है, डिटेल्स वगैरह काफी बढ़िया कैप्चर कर लेता है, डे लाइट सैंपल्स काफी बेटर निकल के आते हैं। अब वीवो V27 में ये जो फ्लैश लाइट दिया गया है इसको वीवो कहता है ऑरा लाइट। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सर्कल शेड में है, लाइक अ रिंग लाइट जो कि सर्कुलर होता है। सो इसका वर्क ये है कि ये लाइट को इवनली थ्रो करता है, सो काफी बढ़िया सॉफ्ट इमेजेस आपको देखने को मिलती है। सो कुछ पोर्ट्रेट्स लेते हैं, देखते हैं ऑन या ऑफ में क्या डिफरेंस आता है। तो ये था Vivo V27 का कैमरा टेस्टिंग एंड जिस प्राइसिंग पे आता है 33,000 ऑफर्स वगैरह के बाद ये आपको मिल जाएगा अप्रॉक्स 30,000 रुपीज में। मुझे पर्सनली इसका कैमरा बहुत ही पसंद आया है एंड मैंने आपको वीडियो में सब कुछ बताया है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको इसका कैमरा कैसा लग रहा है। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। जय हिंद।